हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन अदर वीडियो ऑफ एक्सलेंट कोचिंग सेंटर की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की। हमने क्या करा था बच्चों, लास्ट क्लास में 2.2 कंप्लीट कर दिया था, हमने, है ना। अब इस क्लास के अंदर में आपको हम एक्सरसाइज 2.4 करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक्सरसाइज 2.4। भैया 2.3 क्यों नहीं करवाया आपने? So, बेटा आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो एक्सरसाइज 2.3 है वो पूरा डिलीट हो चुका है। क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है इस सिलेबस के लिए, ठीक है। जो आपका सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसके अंदर में 2.3 क्या हो गया बेटा? डिलीट हो गया है, ठीक है। इसलिए हम 2.3 नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे 2.4 में। किसमें जंप करेंगे बेटा? 2.4 में, ठीक है। तो 2.4 में जंप करने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैशटैग कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार हमने कॉन्सेप्ट ये सीख लिया ना बच्चों, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना इतना आसान हो जाएगा जैसे किसी को गिनती सीख लेने के बाद प्लस माइनस करना आसान हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बेटा, जैसे कि आपको भी पता है, है ना। बिना कॉन्सेप्ट के आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। और रट्टा जरूर मार लोगे लेकिन सक्सेसफुल होने का मतलब नहीं, सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। आइए तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम सीखेंगे बेटा फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से मेथड इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको इसके अंदर में क्या दिया होगा, देखो चैप्टर का नाम क्या है, पॉलीनोमियल दिया होगा, ठीक है। सो अब इसके फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में होता है गुणनखंड। अब देखिए इसके अंदर में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका लीनियर पॉलीनोमियल इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद, इसको त्रिघात बहुपद। देखिए बेटा इसमें समझने योग्य क्या चीज है कि जो हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है वो इस सिलेबस में, वो हमें इसका नहीं करना है कि जो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है ना, इसका नहीं करना ये याद, ठीक है, ना ही इसका करना है, ठीक है। हमें किसका करना है? केवल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का। तो हम बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से क्या सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसा होता है बेटा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होता है? ax2 + bx + c। यही तो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। बताया था कि नहीं बताया था? ये क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म कह लो, हिंदी में सामान्य रूप कह लो, ठीक है। और अच्छा, लीनियर पॉलीनोमियल का सामान्य रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b। और क्यूबिक पॉलीनोमियल का क्या होगा बेटा? ax³ + bx² + cx + d। ये इसकी जनरल फॉर्म होता है बेटा। देखो लीनियर पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, और क्यूबिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है। तो बेटा ये चीज अपने माइंड में पूरी तरह से क्लियर रखना है कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के करने हैं, ठीक है बेटा। तो हमें केवल और केवल ये क्वेश्चन करने हैं, ये और ये नहीं करने हैं। मुझे जहां पर स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिखाई देगा उसका ही मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, अदर क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज डिलीट हो चुका है। समझ में आया? ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है।
सो देखिए तरीका क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, यही होता है ना। सो बेटा देखो तरीका क्या होता है हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, क्या वे क्या होता है, तरीका क्या है, स्टेप क्या होता है, सर कॉन्सेप्ट बताइए इसका अच्छा से। तो देखिए बेटा क्या होता है कि x स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है, a होता है, x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, ठीक है, और x के साथ वाला b होता है बेटा, x के साथ वाला क्या होता है बेटा b होता है, और जो जन्मजात सिंगल होता है वो क्या होता है c, जो जिसके साथ में कोई x नहीं होता है वो क्या होता है c, और x स्क्वायर के साथ वाला a, और x के साथ वाला b, और जो जन्मजात सिंगल होता है वो c। समझ में आया बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस। अब इसके आगे के क्या कार्रवाई है बेटा कि स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, a की ऑलवेज मल्टीप्लाई करो c से, a की ऑलवेज मल्टीप्लाई किससे होगी c से। अगर बाय द वे कभी एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ ना हो तो क्या माना जाता है, वन माना जाता है, तो वन की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे c से। अब जब a की मल्टीप्लाई में c से करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ac आएगा, है कि नहीं। तो इस ac का मुझे क्या करना होगा, LCM करना होगा, फैक्टर करना होगा मेरे बच्चे, क्या करना होगा मेरे को, फैक्टर करना होगा। तो मैं इनका क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, ठीक है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का हमें क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। फैक्टर करने के बाद, फैक्टर करने के बाद क्या करते हैं बेटा, ये जो बीच वाला है ना आपका बी, जो बीच वाला जो है ना ये बी, इस बी को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है इस तरीके से कि जिस तरीके से भी हम तोड़ेंगे उसको, जो टूटा हुआ उनको अगर प्लस या माइनस करो, जो टूटा हुआ पार्ट है इनको मैं तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है उनको प्लस या माइनस करने पर, क्या बेटा प्लस या माइनस करने पर मेरा ये वाला संख्या आ जाए, ठीक है, और उन्हीं दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये वाला संख्या आ जाए, बस ये हमें चेक करना है और यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्या करना है कि b को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये b ही आ जाए मेरा, और मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या है बेटा ac, यानी कि जिसका जिस नंबर का हमने LCM लिया है वो आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? अब इसको बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल लेकर के, क्या करूंगा एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, ठीक है बेटा। आइए तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेकर आपको ये समझाता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन होगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन पर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताना, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मैं फोर्थ का सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, सेकंड, हाँ नहीं सेकंड ही फोर्थ पार्ट लेता हूँ, ये थोड़ा टफ लगता बोल रहा यार बेटा, फोर्थ पार्ट बोलो, फोर्थ का फोर्थ पार्ट लिया बेटा मैंने, 3x² बेटा, रेहान ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो 3x² -x -4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, फैक्टराइजेशन। सर तरीके से बताइएगा, इस तरीके से बताइएगा कि सर पेपर में हम करें तो हमारे को एक नंबर भी ना काटे, हमारा पूरा का पूरा नंबर दे दे और मास्टर खुश भी हो जाए, कितना मस्त तरीके से किया है। सो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ए होता है, हाँ। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से, सी से, यानी कि 4 से, तो 3 × 12 का क्या लेंगे, एलसीएम करो, 2 × 6 = 2 = 3 = 1। अब देखो 12 ही आ गया, 12 × 2 = 4 × 3 आ गया, है ना, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इसके अगला स्टेप मैंने कहा था बी, यानी एक्स के साथ में क्या है कुछ नहीं, तो क्या होता है 1 होता है। अब इस 1 को बेटा यहाँ देखिए सारे पीछे, इस 1 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है बच्चों, मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि यदि उन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा ये वाली संख्या आ जाए, 1 आ जाए, और उन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये वाली संख्या आ जाए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं? तो देखिए 3x² है तो 3x² यस,
माइनस है तो माइनस, अब देखो माइनस है तो मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया बेटा, ये माइनस है इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया, अगर माइनस नहीं होता तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए इस वन को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, चार माइनस तीन करके तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता? देखो चार माइनस तीन तोड़ सकता हूँ।